नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में बिजली की आग में चौली से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। विरोध में भाजपा आजसू समेत कांग्रेस पार्टी ने जीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कोलाबीरा के मेटलसा कंपनी तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से हुई मौत। आदित्यपुर के पंतानगर में एक युवक की पुराने विवाद में गोली मारकर की गई हत्या। और टाटा सरायकेला मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आकर पति पत्नी की घटनास्थल पर हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसवा जिले में पानी की किल्लत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी में तालाब नदी सूखने के कगार पर है। मनुष्य के साथ पालतू जीव जंतु भी दो बूंद पानी के लिए तरसते देखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहती हैं कि मुखिया चुनाव में मुखिया बनाकर क्या होगा, हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। एक से दो किलोमीटर दूर पैदल चलकर कुआं से पानी बोझकर लाना पड़ता है। देश की आजादी से लेकर झारखंड राज्य तक अलग हुआ, फिर भी पानी की समस्या दूर नहीं हुई। आज केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जिला के विभिन्न गांवों में निर्मल पेयजल योजना के तहत जल मीनार सोलर समन्वय सिस्टम द्वारा पानी टंकी लगाया गया। टंकी महज कुछ ही दिनों तक चली और बंद हो गई। एक सोलर पंप सिस्टम में 3,65,000 रुपया लगभग का राशि खर्च दिखाया गया। पुराना नल में सोलर पंप लगाकर ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। जिला से प्रखंड व पंचायत के स्तर में रुपयों का बंदरबांट होता है, सबसे ज्यादा मुखिया के खाते में जाते हैं। सवाल उठता है, इतना लागत से बना सोलर पंप महज एक महीना भी नहीं चला। आज पंचायत चुनाव के समय मुखिया जिला परिषद के पास कोई एजेंडा नहीं है। जनता के सामने रखने के लिए जिले के प्रत्येक गांव में तालाब, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। सबसे बड़ी पानी बिजली संकट पर है। नल है पानी नहीं, जलमीनार है परंतु बंद पड़े हैं। कोई जगह पर मुखिया की मिलीभगत से सोलर सिस्टम को लूटा हुआ है। आज जनता पानी के लिए तरसती है। सोलर सिस्टम में भारी गड़बड़ी, उच्च स्तरीय जाँच होने से बिहार की अपेक्षा झारखण्ड राज्य के मुखिया जेल जाएंगे। तो की मन कोले जी बेर हमरा वोट उठ नै दिबो मुखिया? हां वोट दे कोइबो की वोट दे, हमर किछ काज बन छै नै। जले कष्ट एने के खानी को तना है सो बोलो। की कष्ट होय जेगे तै? ई जेगे तै जले रे बेसी तो होलो। एखनो पजन जल सुधे नै होय। आ नल गेले तो नल बने छै, तो नल खराब होलो बन छै नै। आ सोलर नल आछे? सोलर होय तो दुटो आछे, तो मन जल सप्लाई नै। मिसले की दूर जगह हम पाया। कितना किलोमीटर दूरी से ले जाय पानी? 1 किलोमीटर से। और पानी सामने नहीं हो, सूख भी जाता है पानी में। नल का भी थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग का है, इसके लिए थोड़ा दुलाना पड़ता है। वही जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जमशेदपुर को पत्र लिखकर बताया कि रमजान के महीने में एक एक घंटे में बिजली काटा जा रहा है, जिसके कारण रोजा रखने वालों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी के मौसम में जमशेदपुर में बहुत अधिक बिजली कटौती के कारण रमजान के महीने में रोजेदारों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रातःकालीन सहरी से लेकर संध्याकालीन इफ्तार और राशि नमाज तक और रात की बिजली की आंख में चोली से बच्चे, बुजुर्ग, रोजेदार और स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है। बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति जवाहर नगर क्रॉस रोड नंबर 14 पहाड़ी पर जो 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसे चेंज कर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाए और एक ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगाया जाए। हमारा ये पवित्र महीना है मुस्लिम समाज का, यहाँ से एक महीना पहले हमने ज्ञापन किसों का दिया था कि हमारा रमजान महीना शुरू होने वाला है, कि बिजली की कटौती कोई नहीं किया जाए। और जिन साहब ने आश्वासन भी दिया था कि बिजली नहीं काटा जाएगा, लेकिन पूरा रमज़ान, मुझे ऐसा लगता है मुझे 28 साल हो गया जमशेदपुर में, पहला इत्तेफाक है कि रमज़ान में जितना बिजली काटा गया आज तक कभी नहीं कटा। जबकि हम लोग एक कांग्रेस पार्टी के होते हुए, हमारी सरकार होते हुए, ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इस रमज़ान महीने में 24 घंटे में मुश्किल से 7 घंटे 8 घंटे लाइट दिया गया है, जो कि बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं जो रोजा रख रही हैं, रात भर वो सो नहीं पा रही हैं। उधर सरायकेला खरसवा जिला के कोलाबीरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत मेटलसा कंपनी के अंदर बने तालाब नुमा गड्ढे में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे कोलाबीरा के आसपास के बताए जा रहे हैं।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के पिछले हिस्से में बने छोटे छोटे गड्ढों में अक्सर गांव के बच्चे नहाने और मछली पकड़ने आते हैं। आज भी गांव के कुछ बच्चे वहां नहाने पहुंच गए थे। इसी क्रम में 4-5 बच्चे डूबने लगे। किसी तरह 2 बच्चों को बाहर निकाला गया, मगर 3 बच्चे अत्यधिक गहराई में चले गए, जिसे मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से निकाला गया। आनंद फानंद में टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 बच्चों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इसके पीछे किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है। थाना प्रभारी ने जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने की बात कही। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। 3 बच्चों की पहचान MD वहीद, MD रहमान और MD अकबर के रूप में हुई है। एक बच्चा का नाम है MD अकबर और उलोंग का डूबने से हुआ है। कंपनी का बगल में जो तालाब है। कौन कंपनी? मेटलसा कंपनी। कैसे, क्या कर रहा था वो? उलोंग शायद पता नहीं, हम लोग तो इधर मेन रोड में थे, हम लोग सुन के फिर वहाँ गए देखने के लिए। क्या मौत हो गई तीनों का? हाँ, अभी तो TMA चलाए हैं, अभी तो मृत घोषित कर दिया गया तीनों को। तीनों फास्टिंग में था। उधर आदित्यपुर के बंता नगर में एक युवक की पुराने विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आदित्यपुर में RIT थाना क्षेत्र के बंता नगर में बुधवार की रात एक बदमाश ने एक युवक जिसका नाम संजय महतो है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। युवक अपने मोहल्ले बंता नगर में ही खड़ा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी वहां हत्यारोपी दीपक भोए पहुंचा और उसने पिस्टल सटाकर संजय महतो के सीने में गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनते ही वही खड़ा मृतक संजय महतो का भाई षष्ठी महतो घटनास्थल पर पहुंचा। वहां और भी दोस्त खड़े थे। सभी ऑटो से संजय महतो को सीधे साक्षी के MGM अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि संजय महतो दीपक भोए के साथ पहले से विवाद चल रहा था। दीपक भोए बदमाश किस्म का आदमी बताया जाता है। वह कई बार जेल भी जा चुका है। वह पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचा था और गोली मार दी। मृतक संजय महतो के भाई षष्ठी महतो ने बताया कि उसका भाई संजय बस्ती में ही खड़ा होकर दोस्तों से बात कर रहा था, तभी हत्या की ये वारदात हुई। हत्यारोपी दीपक भी बंता नगर का ही रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस MGM अस्पताल भी पहुंची। मामले की छानबीन की जा रही है। संजय महतो RIT में ठेका मजदूर था और उसके पिता कंदरू महतो उषा मार्टिन में काम करते हैं। उसमें घटना कुछ नहीं है, आपस में बकवास किया था ये लोग, उसी में घिंचातानी हुआ, उसी में उसमें गोली इसको मार दिया, यही बता रहा है लोग। कौन मारा है गोली? दीपक भोए। और ये इसका क्या नाम है? संजय। कहाँ का है ये? ये बंता नगर थाना RIT। क्या है लोगों का कुछ आपसी दोस्ती है या दुश्मनी है, क्या था इसका अभी पता नहीं चल सका। तो आप लोग ऐसे हमारा प्रशासन सब गया है, फोर्स पदाधिकारी पकड़ के तुरंत उसको अभी से सवेरे तक पकड़ा जाएगा, उसके बाद में सामने बात आएगी। इसकी क्या स्थिति है? स्थिति की डेथ कर गया बोल रहा है तो डॉक्टर। डेथ कर गया, क्या करता था ये? रुकने दो, क्या करता था ये पता नहीं है। कितने गोली लगी है इसको? एक गोली। किस जगह पे लगा? सीने में, बाएं साइड में। अच्छा, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ जो मारा है ना? ना। उधर सरायकेला खरसवा जिला के कांड्रा सरायकेला सीमा पर टाटा सरायकेला मार्ग पर चांदनी मोड़ के समीप ट्रेलर की चपेट में आकर मुड़िया के दंपत्ति विभूति दास उर्फ छोटू दास और पूजा दास की मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी बाइक पर सवार होकर पूरी से ले एक शादी समारोह में जा रहे थे। इसी क्रम में चांदनी मोड़ के समीप अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वैसे घटना की जानकारी मिलते ही कांड्रा थाने की पुलिस, जो मंत्री के एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात थी, ड्यूटी छोड़ घायलों को रेस्क्यू करने तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और JRDCL के एम्बुलेंस से दोनों दंपत्ति को सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर स्थानीय लोगों ने ट्रेलर को धर दबोचा और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में सड़क सुरक्षा को लेकर आक्रोश भी देखा गया। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उधर से ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर वाला ने धक्का मार दिया, जिससे दोनों। ट्रेलर किधर से आ रही थी सर? कांड्रा से आ रही थी, सरायकेला जा रही थी। दोनों की स्पॉट डेथ हो गई क्या? हाँ, दोनों का मैंने हुआ एक्सीडेंट, और हम लोग
इलाज कराने के लाए, इसी क्रम में। उधर जुगसराय स्थित इस्लाम नगर में दो भाइयों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक घायल हो गया, उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। जुगसराय स्थित इस्लाम नगर में आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट मामले में एक भाई बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती कराया गया है। ऐसे पी खाए हुए थे, औरत को कुछ बोले, उसी में औरत बला चढ़ा के बोल भी मार दिया। क्या चीज से मारा? वही बिष्टुपुर स्थित सिटी स्टाइल के मॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। स्थानीय लोगों के तत्परता के कारण आग पर काबू पा लिया गया। बिष्टुपुर मेन रोड स्थित सिटी स्टाइल के मॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गर्मी होने के कारण वो AC थोड़ा हीट हो गया था, हीट होने से वो हल्का थोड़ा चिराग मतलब चिंगारी टाइप का लगा था, जो उसको बुझा दिया गया है। बाकी कोई डैमेज नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, कस्टमर भी अपने आराम से आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। खाली कपड़ा वगैरह कुछ जला? कुछ नहीं, 1% भी नुकसान नहीं हुआ है। बस वो हल्का सा आग जैसा हम लोग को महसूस हुआ था, दिखा आग, तो हम लोग ने फायर एक्सटिंग्विशर लगा के और दमकल बुला के उसको बुझा दिया। दमकल का भी 2 मिनट का काम था, जो कि समाप्त हो गया। और जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जुगसलाई पटमदा एवं बोड़ाम प्रखंड इलाके में बेहतर विद्युत व्यवस्था एवं कुल 9 ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी ने विद्युत विभाग के GM से की है। विधायक ने इस मामले को लेकर एक बैठक GM कार्यालय में की। इस दौरान इन्होंने क्षेत्र में बढ़ते विद्युत आपूर्ति को लेकर कई दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया। वही पटमदा और बोड़ाम इलाके में ग्रामीणों को बेहतर विद्युत कैसे मिले और इलाके में ट्रांसफार्मर की कमी को दूर करने का दिशा निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिया गया। विधायक मंगल कालंदी ने कहा कि वर्तमान समय में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों में विद्युत व्यवस्था समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन झारखंड राज्य सरकार इस परिस्थिति को दूर करने हेतु सकारात्मक कदम उठा रही है और आज से पहले की अपेक्षा विद्युत व्यवस्था बेहतर हुई है और आगामी कुछ ही दिनों में काफी बेहतर बिजली आपूर्ति पूरे राज्य को मिलेगी। बड़ाम में और कटिन में है नहीं, तो उस पर भी हमने विचार किया है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ भी कैंप बैठाए हर हफ्ता और बाजार करने, हाट करने, हमारे गांव के भोले भाले जनता जो आते हैं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सभी लोग बिजली का पैसा जमा करेंगे। लेकिन किसी भी क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में हो या पूरे जमशेदपुर की मैं बात करता हूँ, कि लाइन जो है नहीं काटना चाहिए, वो गरीबों का। बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो 2.5-3 करोड़ रुपया जो है घपला करके रखे हुए हैं, उसका लाइन जाके काटे। मैं तो कहता हूँ कि मंगल कालंदी आप लोगों का साथ जाने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ बकाया है, वहाँ आप लाइन काटने जाइए, मंगल कालंदी खुद आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन गरीबों का लाइन नहीं कटना चाहिए और गरीबों को लाइन मिलना चाहिए, इसके लिए हमने बातें की है। और मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते ही विद्युत पर जो है वो सुधार हो रहा है धीरे धीरे। साथ ही आपको बता दें, ईद पर्व के मद्देनजर आजाद नगर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ईद पर्व के मद्देनजर आजाद नगर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CTSP के विजय शंकर, ADM NK लाल, MNAC के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय समेत शांति समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हम ये कहना चाहते हैं कि बदमाश इंसान होता है, धर्म नहीं होता। तो कोई इंडिविजुअल बदमाशी करता है तो आप ये बात बताएं कि कौन पुराना आदमी है, थाना प्रभारी को तुरंत खबर करें, ADM साहब है, हम हैं, तुरंत आप खबर करें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको दो धर्म के बीच का मामला नहीं बनाएं, क्योंकि हम जहाँ के वैसे मूलतः हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में जो हम 4 ही त्यौहार मनाते हैं, एक तो रमज़ान हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, पोंगल हो गया, इस 4 के अलावा और कोई त्यौहार मनता ही नहीं है। और हर जो भी हिंदू लड़का है अपना इस बात पे गर्व करता है कि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, ताकि इस पे रमज़ान ईद के समय जाके हमें बिरयानी खाने को मिलेगा, अपने घर में जाके बैठ के मेहमान बन के जाएंगे। और मुस्लिम जो लड़के हैं या जो भी फैमिली वाले हैं, वो ये इस बात की गर्व करते हैं कि इतने हमारे हिंदू दोस्त हैं, इनके परिवार में भाग लेने, मतलब फंक्शन में भाग लेने को हमें मिले। और इसके अलावा कुछ भी आपको दिक्कत हो तो पुलिस प्रशासन आपके साथ 24 घंटे आपकी सेवा में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अच्छे से मनाएंगे और आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, इसकी हमें उम्मीद। थैंक यू वेरी मच।
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में आज से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा जिला प्रशिक्षण शिविर जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित राजस्थान भवन में लगाया गया, जिसका दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं बोकारो से विधायक बिरंची नारायण ने किया। इस अवसर पर विधायक बिरंची नारायण ने मीडिया से कहा कि ये शिविर कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा देता है। कुल 140 कार्यकर्ता 30 तारीख तक प्रशिक्षण प्राप्त कर निकलेंगे, तब दिखेगा उनमें कितना बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि पार्टी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम चलाती है ताकि सामाजिक कार्य में हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर कार्य करें। प्रशिक्षण हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मित्र हैं। आज से लेकर परसों तक लगातार 15 विषयों पर अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे और परिष्कृत करेंगे ताकि वो समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान अपनी बना सकें। कई विषय इस दरमियान आएंगे जिससे हमारा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत धारदार है।
वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। बिजली की काफी खराब स्थिति है, पानी की स्थिति भी वैसी ही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में काफी कुछ काम हुआ था, कोई ट्रांसफार्मर जलने से मात्र 12 घंटे के अंदर उसे बदल दिया जाता था या फिर ठीक कर दिया जाता था। आज कोई सुनने वाला नहीं है। जब शहर की स्थिति यह है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या होगी? और सारे इलाके मणिपुर हुआ, सुंदरनगर हुआ, आपका मानगो क्षेत्र में कुछ हुआ और ये आपका ये परसुंडी इलाका हुआ। सर इतनी ज्यादा टेलीफोन रात को आता है कि कुछ भी बिजली नहीं मिल रहा, हम लोग को थोड़ा कुछ आराम कर दीजिए। कल आपका मणिपुर से आया, बोला 4 दिन से बिजली नहीं था, आधा घंटा बिजली, तो बिजली के लिए हाहाकार। ग्रामीण क्षेत्र ये सोच लेता है कि बिजली रानी जो गुम हुआ पता नहीं एक सप्ताह में आएगा, 10 दिन में आएगा। लेकिन सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये बहुत बड़े मुद्दा है। और पूरा देखिए जनता आंदोलित है, पार्टी पॉलिटिक्स तो होते रहता है बट जनता आंदोलित है और जनता की जो बुनियादी सुविधा अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो सरकार पूरी तरह विफल है। इसीलिए पानी बिजली का समय में सरकार को सचेत होना होगा, आगे बढ़ के लोगों को काम करना चाहिए और इसका जो मूलभूत संरचना है, लोगों की जो डेली दरकारों चीज है उसको मेन रूप से उसको संज्ञान में रखते हुए आगे काम करते हैं। और जमशेदपुर मजदूरों का शहर के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दराज से रोजी रोटी की तलाश में शहर में लोग बसे हैं। बीते 50 वर्ष से भी ज्यादा समय से बसे 485 परिवार के 3000 से भी ज्यादा असंगठित मजदूर बलदेव बस्ती के ऊपर टोला में रहते हैं, लेकिन अब तक उन सभी मजदूर मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। हालांकि जुस्को के द्वारा बिजली के लिए 5 खंभे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं मिली। सड़क का वैसा ही जर्जर स्थिति है, जहाँ बरसात में लोगों को चलना दुर्लभ हो जाता है। बीते 10 वर्ष पूर्व सांसद विद्युत वरण महतो व पूर्व खाद आपूर्ति मंत्री सरयू राय के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन वह भी जर्जर स्थिति में है। केंद्र सरकार लाख दावा करे स्वच्छ भारत मिशन का, लेकिन शहर के बीचों बीच बस्ती में गंदगी का अंबार है। जुगसलाई बलदेव बस्ती के ऊपर टोला में रहने वाले 3000 से भी ज्यादा परिवार गर्मी आते ही बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नहाने की तो दूर की बात है, पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इतना ही नहीं, नहाने व कपड़ा धोने के लिए नदी का भी रास्ता लेना पड़ता है। अब तक बीते 50 वर्ष से शहर के पौश इलाका माने जाने वाले बिष्टुपुर और जुगसलाई के बीचों बीच बसे बलदेव बस्ती ऊपर टोला के असंगठित मजदूर मूलभूत सुविधा पर किसी का ध्यान नहीं है। बस्ती के लोग दर दर भटक रहे हैं। वर्तमान में स्थानीय विधायक मंगल कालंदी चुनाव से पूर्व बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना कर आश्वासन दिए थे कि चुनाव जीतने के बाद बस्ती का जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन 3 साल में वह भी आज तक नहीं हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण से भी बस्ती के लोग वंचित है। सिर्फ 2-4 लोगों को इसका लाभ मिला। स्थानीय महिला सीमा के अनुसार पानी की काफी समस्या है, पानी के लिए बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, बस्ती के छोटे छोटे बच्चे को पानी ढोना पड़ता है। वहीं बीते 50 वर्ष से भी ज्यादा समय रहने वाले विजय यादव ने बताया, बलदेव बस्ती ऊपर टोला में रहने वाले लगभग 500 परिवार मूलभूत सुविधा से वंचित है। बस्ती में बिजली पानी शौचालय का कोई सुविधा नहीं है, सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, गर्मी में दूर दराज से पानी लाकर लोग जी रहे हैं। क्षेत्र के विधायक भी आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बलदेव बस्ती ऊपर टोला में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है, एक सामुदायिक भवन बने तो यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने झारखंड सरकार से क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। और साक्षी स्थित राम बगान में वन इंडिया फाउंडेशन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित आम बगान में वन इंडिया फाउंडेशन संस्था की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। साल की तरह इस साल भी हम लोग वन इंडिया फाउंडेशन के बैनर के तले हम लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं। हर साल करते हैं हम लोग, विगत ये कोरोना के वर्ष में नहीं हम लोग कर पा रहे थे, नहीं तो उससे पहले भी हम लोग हर साल 3-4 साल 5 साल कंटिन्यू हम लोग ये आम दावत करते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग, हर तरह के लोग, बिजनेसमैन हो, नेता हो, गरीब हो, अमीर हो, इसमें सब हम लोग एक साथ मिलकर ज़मीन पर बैठ कर, इससे ये मैसेज जाता है कि हम लोग के नगर में सब एक है। कोई हम लोग जो है एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा नहीं लगाना,
खाने का काम करते हैं। सब हमारे भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, हम लोग सब मिलकर साथ में खाते हैं। इससे आपसी सौहार्द प्यार भाईचारा का हम लोग मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अभी जो ये तीसरा साल में जो कोरोना काल के बाद जो अफ्तार पार्टी हुआ है, तो इसमें लोग बहुत खुश थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हर जगह माहौल ख़राब किया जा रहा है मुसलमान और हिंदू को लेकर। इसलिए यहाँ से एक मतलब कि अच्छा मैसेज जाता है, यहाँ पे सिख और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हम सब यहाँ पे जमशेदपुर में आज भी गंगा जमुना तहजीब का मान्य रखा गया है। इसलिए आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह और एक मंच में बैठे हुए थे। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रत्याशियों ने जिला मुख्यालय में नामांकन किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के तीसरे चरण के प्रत्याशियों ने जिला मुख्यालय स्थित ADC कार्यालय में अपना नामांकन भरा। हमने पूर्व में भी जिला परिषद थे 2010 में, उसके बाद मिसेज थी जिला परिषद श्रीमती प्रतिमा रानी मंडल। इस बार चूंकि अन्य हो गए तो इस बार जिला परिषद सदस्य के पद में कोटका 11 से मैं उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। देखिए, हमारा तो एक ही नारा है, गरीबों का सेवा, गरीबों का सम्मान, यही हमारी एकमात्र पहचान। हम लोग निरंतर 5 और 25 जो माने दिव्यांग का जो यहाँ कैंप लगता है सदर अस्पताल में, तो दिव्यांग सेवा रथ के नाम से हमारे पीरियड से ही माने हम लोग शुरू किए थे। वो मैडम के पीरियड में भी चला और वो निरंतर चलते रहा। हम लोग दूर, सिर्फ मेरा अपना क्षेत्र का ही नहीं, कोटका 11 का ही नहीं, कोटका और पटमदा क्या बोलते हैं गोड़ा, जहाँ से भी हम लोग को ऐसे सूचना मिला हम लोग गए और वहाँ से उस माने ये को दिव्यांग को साथ में ला के वहाँ हम लोग सर्टिफिकेट भी बनवाए। और पोटका का अपना क्षेत्र का तो पोटका पूरा पोटका कहीं हम लोग अनेकों लोगों का, सैकड़ों लोगों का सर्टिफिकेट भी बना दिए और उनको पेंशन भी जो स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता मिलता है वो भी दिलवाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में बिजली की आग में 44 से आम जन जीवन हुआ अस्त व्यस्त। विरोध में भाजपा आजसू समेत कांग्रेस पार्टी ने GM कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कोलाबीरा के मेटलसा कंपनी तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से हुई मौत। आदित्यपुर के पंतानगर में एक युवक की पुराने विवाद में गोली मारकर की गई हत्या। और टाटा सरायकेला मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आकर पति पत्नी की घटनास्थल पर हुई मौत। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।